अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखें जी, मेरी बेटी जो है ये नीचे पूछ रही है कि कौन आया है। ये मेरी दादी आई हुई हैं। ये देखें, ये मामा हैं। ये पापा आ गए हैं ऑफिस से। ये पूछ रही है कौन। ये पापा आ गए हैं ऑफिस से। ये देखिए, हवा चल रही है। आज भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, बाहर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं, उधर ये सामने गली में भी बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, सही मौजें लगी हुई हैं बच्चों की। अभी हमने चारपाइयाँ नहीं उठाई हैं, ये देखिए बिस्तर सारे पैक करके रख दिए हैं। शुक्र है अल्लाह का कि आज अच्छी हवा चल रही है। कल शाम के बाद से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सुकून हुआ हुआ है। धूप भी है, लेकिन ये है कि धूप के साथ हवा भी है यहाँ पर। ये देखेंगे, मेरी दादी आई हैं आज काफ़ी दिनों के बाद, और अभी हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। सुबह से आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। मामा जो हैं पापा के लिए पानी निकाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? नज़र नहीं आ रही हो आप, रोशनी बाहर से ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखें जी, ये पापा को सुकून का सांस भी नहीं लेने देती। अभी पापा ऑफिस से आए हैं और ये साथ तैयार हो गई है कि बस अब मुझे बाहर लेकर चले। ये देखें जी, ये हो गई है तैयार जाने के लिए कि बस अब मुझे बाहर लेकर चलें। और ये देखें जी, मामा ने जो है पापा के लिए शरबत बना लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं। मेरे हस्बैंड अब ऑफिस से आए हैं, तो मैंने कहा चले एक पानी बना देती हूँ, थोड़ा सा जामे श्री बनाई है मैंने उनके लिए। देखो पानी पीते हैं। मेरी जो मैडम है जुतियाँ लेकर ये ऊपर चढ़ी हुई थी। पापा के लिए बना था पंगे का काम में। अब शरबत भी नहीं पीना, पापा पीएंगे क्यों? आगे थोड़ा सा कहती है पापा पी लेंगे। ये देखो, दिन बहुत ज्यादा बोरियत के होते हैं, ये दिन नहीं आने चाहिए। सफाई भी घर की बेटी ने की है, मैंने नहीं की थी, तो मैंने किचन में जाना है, खाना उधर क्या है, क्या है उधर? कौन सी चीज लोगी आप, क्या लोगी? क्या लेना है? चीज लेनी है। अच्छा, ये देखें जी, बड़े बड़े भी जो है ये बाहर घूमते खेल रहे हैं। और ये देखें, ये चली गई है बाकी, और अब ये लेगी पंगे सबके साथ। और अब इसने भी बंटे ही लेने हैं, ये चीज़ का कहकर जाती है और लेकर लेकर बंटे ही आती है। और आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत हुई थी, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे थे।
अभी सिर्फ सहन की ही सफाई हुई थी तो मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, अभी किचन की सफाई नहीं की थी। बस इन दिनों में ज़रा थोड़ा सा लेट उठते हैं, भाई ने जाना होता है पढ़ने तो इसलिए वजह से मामा तो सुबह उठ जाती है लेकिन मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे सुबह जल्दी ही उठा देती है कि उठ जाओ सब भूख लगती है, तो वो कहते हैं कि बस मुझे हलवा बना दो या कुछ ना कुछ बना दो। आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो हम तो अपनी नानी के घर भी नहीं गए, नानी तो अल्लाह ताला के पास है, मामू वगैरह हैं, लेकिन लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मामू तो बुला रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ गुजरांवाला में इतनी गर्मी है तो यहाँ से ज़्यादा गर्मी लाहौर में होती है, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं लाहौर। इंशाल्लाह जाएंगे ज़रा मौसम ठीक हो जाए तो फिर। देखें जी भाई जो है मेरा भाई जो है वो भी खेल रहा है साथ में, बस आजकल बच्चों के यही काम होते हैं कि एकेडमी से आ जाए और फिर फारिग और फिर इस तरह ही बस खेल में लगे रहते हैं बच्चे। और आप लोग गर्मियों में की छुट्टियों में कौन कौन कहाँ कहाँ गया है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये जो है हमारी दादा जो है वो जा रही हैं, हमारी जो दादा है वो रहती हैं दूसरे चाचू के घर, यहाँ पर हमसे मिलने आ जाती हैं, यहाँ पर नहीं रहती वो। ये देखें जी ये मैडम जो है ये अब आई हैं और मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि ये चीज़ का कह कर ना ये बनते ही लेकर आई है, ये कुछ और नहीं लेकर आई, ये देखें जी ये लेकर आई है बंटे, इसके हाथ में जो है वो बंटे हैं, ये देखें ये बंटे ही लेकर आई है, ये चीज़ का कह कर जाती है, लेकिन आजकल बच्चों को देख देख के इससे भी बंटों के शौक जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, तो ये भी बस यही कहती है कि बस बंटे ही लेकर दें मुझे, ये कुछ और नहीं लेती, दुकान पे जाके अड़ जाती है कि बस बंटे ही लेने हैं। ये देखिए ये अकेली ही खेलती रहेगी, इसी तरह खेलती रहती है, ये घर में भी अकेली ही खेलती है इसी तरह, और बाहर गली में जाके पापा के साथ चली जाती है और अकेली ही खेलती रहती है। ये देखिए जिसके काम जो है आते हैं ऑफिस से, लेकिन ये पापा को घर में नहीं टिकने देती, फौरन से बाहर ले जाती है, बस पानी भी बहुत मुश्किल से पीने देती है, बस ये कहती है कि बस आप हमें जो है बाहर की ले जाओ। और ये पापा के पास आए हैं अंकल जी, इन लोगों का मीटर लगेगा, पापा होते हैं ऑफिस में वादा के, तो बस लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि बस हमारे मीटर लग जाए। ये देखें जी ये बाहर खेलती रहेगी अकेली। और ये देखें जी दादी जो हैं ये देखें ये अब उतरी हैं और ये जा रही हैं अपने घर में या कहीं और जाएंगी ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगी, मुझे लग रहा है कि शायद अपने घर ही जाएंगी। जो है गोश्त खा खा कर अब बस हो गई है, तो पापा जी ने बोला है कि बस अब जो है गोश्त नहीं आज पकाना, ना ही गोश्त में कुछ डालना है, तो मामा जो हैं ये काट रही हैं कद्दू, आज बनेगा घिया कद्दू और चने की दाल। बहुत से लोग गोश्त में भी डालते हैं लेकिन हम लोग चने की दाल में डाल रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता गोश्त में क्योंकि मेरा बेटा और मेरे शौहर कह रहे हैं, दोनों ही बात बेटे कह रहे हैं कि आज हमने गोश्त नहीं खाना है, घिया चने की दाल बनाएं। तो ये देखे मैं काट रही हूँ तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी देर लगनी है, फटाफट तैयार हो जाता है इंशाल्लाह। और जिस जिसने खाना है घिया चने की दाल आए तशरीफ लाए और घिया खाएँ, गोश्त नहीं बनेगा आज, गोश्त का है नागा, इसलिए हम गोश्त नहीं बना रहे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग अगले व्लॉग में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है वीडियोस देखें, हमारी जो है हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। और आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आगे भी लोगों को बताएँ कि लोग जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कल तक के लिए नहीं, मतलब कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।